नमस्कार दोस्तों, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ लगभग 9:30 बजे। और पीछे देखो तैयारियां वगैरह हो गई है, एक सेट तो जाने वाला है यहाँ से और दूसरा सेट थोड़ी देर बाद जाएगा। जीजू भी आगे हुए इनको लेने के लिए। और जीजू क्या हालचाल? इस कार में जाना है, इन्होंने सामान वगैरह सारा का सारा पैक हो गया है। बस अभी लगभग 15 से 20 मिनट बाद शायद निकल जाए यहाँ से। 11 को देख सकते हो, 11 ने नई बॉर्डर ली है, वो बहुत सुंदर है। दे दे मेरे को, दे दे। किसने दी है तेरे को ये? अच्छा नानी ने लेके दी। मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए बोतल। स्कूल को लेके जाएगी तो इस बोतल में पानी है। ठीक है ठीक है, फर्स्ट में हो गई है। अच्छा तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर अगली बार भी तो 100% नंबर लेगी तेरे को एक और नई बोतल मिलेगी। जितने मर्जी नंबर लेना पर अच्छे से याद करना सब कुछ, ठीक है। और इसको देखो, ये तो सो गया होगा जाने से पहले बेचारा। और नीतू की भी तैयारी है, ये भी जाएगी दोपहर तक। तो अभी गाड़ी में थोड़ा सामान सामून रखना है। चलो सामान रख देते हैं यार, दीदी धर्मशाला ही जाएगी डायरेक्ट, तो वहाँ पे खाने पीने का मटेरियल लेके जा रही है साथ में। कालू सो गया अपना, आज जा रहा है तो नींद लगी है इसको घर जाते टाइम। कहते रहते मत उठा मत उठा, कौन दे क्या हुआ? क्या मासी की जैसे कपड़े डाले ऐसे आपका भी था? हाँ बड़े सुंदर कपड़े डाले हैं लड़की ने। धर्मशाला आऊंगा मैं तेरे पास, चिढ़ा रही है आप सभी को। पूरा परिवार दीदी को विदाई देता हुआ, बड़े गर्मी हो जाएगी, आराम से चले जाओ टाइम से। जीजू के पास होगा फाइनली, दीदी भेज दी हमने। तो अभी थोड़ी देर में ये सेट भी जाने वाला है यहाँ से, और नीतू भी जाने वाली है। हाँ सेट सही गल आई है। 11 दे यार, दीदी को तो विदा कर दिया। अभी आपका भाई खाने वाला है खाना, और खाने में न्यूट्री और चपाती है, साथ में लिए लस्सी जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहती है। खाना वगैरह मैंने खा लिया और दूसरे सेट के जाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इनके जाने का रीजन ये है कि कल दीदी को आए हुए 10 दिन होंगे, और हमारे यहाँ पे माना जाता है कि जब 10 दिन हो जाते हैं गेस्ट आए हुए तो 10 दिन बाद नहीं जाते, तो दीदी को आज ही जाना पड़ रहा है। ये तो बच्चे एक दिन और मजे लेते हैं मामू के घर के, बट जाना पड़ रहा है इनको आज। तू नहीं होना यार, मैं नहीं जाना, मैं तो नहीं ढूंढा था भाई। मैं तो रात 2-3 बजे काम करिए सोना, सवेला को काम नहीं भेजना क्या? मैं रात ही करना है। एक बार पूछ ले पहले, और मना करिए चलिया। मैं भी बोला मना करा, मारी देखी तू चुप कर। तू अरे जे नी जाना मतलब सड्डे है कैसे कुछ दे क्यों कर ना मेरे जाने पुराने वाले तो मेरे रोंदे 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 यो करते रहते सही बात है। ये देख ले तू अपने साथ बहने कोई बकवास मत कर। तू जब कभी छड़न चंदा नहीं, कोई रिस्पांसिबिलिटी समझ आए पर हाथ के लिए चीज करते नहीं है। चलिए बोला है जरूरी कर चलो, सवेरे सवेरे देख पता चलिए दो वाली बस आज। जो रिचुअल है वो रिचुअल ही है। हेलो मम्मी, हाँ और क्या और क्या जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या तुम आज नहीं जाना है? थोड़ी माता मेला भी है उस दिन भी आना। मैं आऊंगा लेने तो हो जा तैयार, हो जा बंशु तैयार। फिर नीतू का खुद का मन नहीं है जाने का, तो सभी को तैयार कर रही है कि तू भी मत जा तू भी मत जा तू भी मत जा। जाने लाने ना, तू जा बता।
गलत नहीं कर सकता यार, कुछ गलत हो गया मतलब गलती है उस ये नीतू की बात पॉइंट करने वाली है। अगर भगवान है तो 10 दिन के लिए वो कुछ गलत नहीं कर देगा, बट हमारी कुछ मान्यताएं हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई, तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। अंधविश्वास होता होगा कुछ, क्योंकि पहले ग्रहण के ऊपर ग्रहण लगता था कुछा डालते हैं ना, वो पहले पता था तेरे को कि क्यों डालते हैं, अब साइंस ने प्रूव कर दी कि क्यों डालते हैं, तो तू मानती है उस चीज को। गाइस मेरा मतलब है भगवान है, मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं कि 10 दिन बाद कुछ जाएंगे तो कुछ होगा जरूर, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता होगा, नेगेटिविटी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती होगी। मेरे साथ कुछ होगा, वो मेरी गलती होगी, किसी की गलती थोड़ी होगी कि वो कोई 10 दिन से घर 10 दिन बाद घर से जा रहा है तो उसकी वजह से मुझे कुछ हुआ यार। गाय गाय गलत है, कमेंट में बता दो गलत है या सही है। दोस्तों टाइम 5 बज रहा है और ये वाला सेट अभी तक यही पे है, इन्होंने कैंसिल कर दिया जाने का प्रोग्राम, इनको घर से ऑर्डर मिल गया। ये देखिए दीदी, दीदी पुरानी मेमोरीज देख रहे हैं दीदी, यहाँ पे आपका भाई भी होगा, देखो पहचानो कहाँ पे आपका भाई। फिलहाल आप खाना जी से ही मिलिए। दोस्तों अभी टाइम 8 बज रहे हैं और आपका भाई खाना को खाना वगैरह खिला के अभी खुद किचन में जा रहा है खाना वगैरह खाने। आज के खाने में बना हुआ है राजमा की दाल, मजा आता है, राजमा मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। राज मम्मी को देख सकते हो आप, पूरी हीरोइन लग रही है, काले काले बाल, काली काली जुल्फे। तो आज मम्मी थोड़ी सी अलग दिख रही होगी आपको, क्योंकि मम्मी ने मेहंदी लगाई है बालों में, ये तो दिलिया बहम होता है, शक्ल तो ही रहती है, नहीं फिर भी सफेद बाल थे वो सारे काले हो गए आज, ये समझ गई शक्ल तो ही रहनी है, शक्ल तो वैसे ही बट फिर पपोती करे कोई। हाँ वो तो है, खाना कितनी देर में बन रहा है ये? बस बड़ी 15 मिनट में यार खाना भी लग जाएगा अपना, बता देना मेरे को, मैच देख लेता तब तक। तो भी यार अभी आपका भाई जा रहा है मैच देखने, क्योंकि आज के मैच का माहौल पता नहीं क्या है, मेरी फेवरेट टीम तो आज जीत गई मुंबई इंडियंस, मजा आ गया देख के मैच को, पहला मैच जीते हैं और मिसफील्ड की वजह से शायद चौका लग गया, उमेश यादव बिल्कुल नाराज हो गया भाई, और मेरे साथ यहाँ पे छोटे छोटे टिड्डे पिड्डे भी देख रहे हैं मैच, ये दूसरे साइड जाने वाला था सारा बट रुक गया आज, हाँ इसने बनाया स्लैंग पूरी दूजे मार रहा है, अपुन ने बनाया, कहाँ सीखा थी ये लैंग्वेज, मैं तो बोलता नहीं ऐसे। मम्मी जल्दी जल्दी डाल दो खाना, बड़ी भूख लगी हुई है। क्या तो दोपहर को नहीं बनाती रहा रोटी, नहीं खाई तो थी मैंने बाकी वो दाल और वो घर के चावल है, इनका टेस्ट ही बड़ा अलग होता है यार, मजा आता है खा के, खुशबू। चलो चावल फिलहाल इतने मैं दूसरी बार ले जाऊंगा आके, राजमा को देखो कलर कितना प्यारा है यार, मजा आ जाएगा। नीतू बड़ा बढ़िया तड़का लगाती है, उसने लगाया ना मैंने तड़का, आप भी लगाया, आप भी बढ़िया बनाते हो। ऐसे एक चीज की कमी है इसमें ना, खटाई बननी चाहिए किसी चीज के साथ में, हाँ फिर आता है मजा। दोस्तों आज मम्मी ने मजा लगा दिया यार, इतना टेस्टी खाना बनाया था, मैं तो 3-4 बार चावल लिए हैं, ये देखो कढ़ाई सारी की सारी खत्म हो गई, आज मजा आ गया, मतलब इतनी टेस्टी सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी था मम्मी आज तो, नहीं नहीं मजाक नहीं, मासी की दाल और मेरी मम्मी के राजमा का कोई मुकाबला नहीं, और मम्मी के साग का कोई मुकाबला नहीं, इतना टेस्टी, झूठी तारीफ नहीं कर रहा सच में, बड़ा टेस्टी लगा, मजा आ गया।